नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, चावल के चार दाने आपकी किस्मत बदल सकते हैं। सुने, जो शायद कोई भी नहीं कर सकता है। यदि आपको चावल के चार दानों के फायदे जानने हैं तो हम आपको बता रहे हैं, अपनी राय भी दें और इन तरीकों को अपनाकर अपनी किस्मत भी बदलें। कहते हैं कि चावल के चार दानों से व्यक्ति करोड़पति तो नहीं बनता, पर करोड़पति भी व्यक्ति के आगे सर झुकाने में मजबूर हो जाता है। आज हम आपको ऐसा ही एक उपाय बताने वाले हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार चावल को सर्वोपरि माना गया है। जब हमारे घर में कोई आता है और जब वो वापस जाता है तो हम उसे चावल और रोली का तिलक करते हैं, यह भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में आपको चावल के चार दानों का एक ऐसा महत्व बताने वाले हैं जो शायद आपने कहीं। आज हम आपको ऐसा ही एक उपाय बताने वाले हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार चावल को सर्वोपरि माना गया है। जब हमारे घर में कोई आता है और जब वो वापस जाता है तो हम उसे चावल और रोली का तिलक लगाते हैं, यह भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में आपको चावल के चार दानों का एक ऐसा महत्व बताने वाले हैं जो शायद आपने कहीं सुना हो। चावल के चार दानों से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। शिवलिंग पर चावल और अक्षत चढ़ाएं। यदि आप शिवजी जी के भक्त हो और हर सोमवार शिव की पूजा करते हो तो आपको चावल का यह उपाय करना बहुत आवश्यक है। सोमवार की पूजा में ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग के पास जाने से पहले अपनी मुट्ठी में चावल के कुछ दाने रख लें, वो आपकी इच्छा अनुसार आप हाथ में ले सकते हो। ऐसा करने के बाद आपको शिवलिंग की पूरी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपको परिक्रमा के वक्त चावल के वो दाने शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। याद रहे, शिवलिंग की परिक्रमा कभी पूरी नहीं होती है। चावल के दानों का तिलक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चावल के दानों और रोली का तिलक करना भी शुभ माना गया है। तिलक का फायदा यह है कि जब भी कोई बुरी एनर्जी आपके सामने आती है तो वो आपके तिलक को देखकर अपने आप को आपके साथ नहीं जोड़ सकती है। यदि आपको रात में डर या फिर किसी भी तरह का वहम होता है तो आपको चावल के चार दानों का तिलक अवश्य करना चाहिए। भगवान होते हैं खुश। चावल के दानों से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। किसी भी भगवान को खुश करने के लिए कुछ भी ना हो पर चावल का होना अनिवार्य है। ऐसे में आपको भी भगवान को खुश करने के लिए चावल का उपयोग करना बहुत जरूरी है। ऐसे में यदि आपको लक्ष्मी कृपा चाहिए तो आपको सर्वप्रथम चावल के 21 दाने के लाल कपड़े में बांधने हैं। उसके बाद जो पोटली बनती है उस पर आपको हल्दी के डालनी है। उसके बाद पूरे 7 दिन लक्ष्मी मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद पूर्णिमा के दिन उस पोटली को किसी लक्ष्मी मंदिर या फिर पानी में तैरा देना चाहिए, पलट जाएगी किस्मत। कहते हैं कि चावल के चार दानों से किसी की भी किस्मत बदल सकती है। आपको भी किस्मत बदलने के लिए सिर्फ चावल के चार दानों का उपयोग करना चाहिए। यदि आप किसी भी तरह का इंटरव्यू देने या फिर एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको चावल के दानों का और रोली का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको सफलता अवश्य मिलती है। चंदन के साथ चावल। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग चंदन के साथ चावल का तिलक लगाते हैं। ऐसा उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें सर में किसी भी तरह का दर्द होता है। कहा जाता है कि ऐसा तिलक लगाने से सर दर्द खत्म हो जाता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।